एक बार की बात है कि के एक गांव में तीन लड़के एक ही लड़की से प्यार करते थे। तीनों बराबर के अमीर थे और बराबर की हैसियत के थे, सो तीनों ने ही उस लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। हालांकि इस बात से उस लड़की के पिता को बहुत खुश होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस लड़की के पिता का मन खुशी से भरने की बजाय और दुखी हो गया, क्योंकि वह जिस किसी लड़के से भी अपनी बेटी की शादी करता उससे दूसरे दो लड़कों का अपमान होता। उधर उस लड़की को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसकी शादी किससे होती है, और न ही उसने कभी यही कहा कि वह उनमें से किससे प्यार करती थी या नहीं। इसलिए इस चिंता का बोझ भी उसके पिता पर ही था। उन तीनों लड़कों के पिता रोज आकर उस लड़की के पिता से कहते कि अब उसको उनके बेटों के बारे में कुछ न कुछ निश्चय कर लेना चाहिए कि वह उनमें से किसके बेटे से अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, परंतु वह उनको रोज ही टाल देता। उसने अपने देश के बड़े बड़े समझदार लोगों से सलाह ली, में देखा, परंतु उसको अपनी समस्या का कहीं कोई हल नहीं मिला। आखिर में उसे एक तरकीब सूझी कि क्यों न वह उन तीनों का इम्तिहान ले कि उनमें से कौन सा लड़का उसकी बेटी के लायक है। देश के तीन सबसे बड़े और अक्लमंद लोग इस इम्तिहान के जज बनाए गए। इम्तिहान यह था कि कोई भी लड़का जो भी उसकी बेटी से शादी करना चाहे अपनी अपनी होशियारी दिखाएगा, और उनमें से जो भी लड़का सबसे ज्यादा होशियार होगा वह अपनी बेटी की शादी उसी से कर देगा। पहला लड़का तीनों में सब में बलवान था, सो उसने दो आदमियों को अपने कंधों पर बिठाया और उन्हें नदी पार ले गया और वापस आ गया। गांव वाले उसका बल देखकर बहुत प्रभावित हुए। दूसरा लड़का भाला और राइफल चलाना बहुत अच्छी जानता था। उसने चैट की डंडिया जो उसके एक दोस्त के मुंह में लगी हुई थी अपने निशाने से उड़ा दी। एक उड़ती हुई चिड़िया को आसमान में ही मार दिया और एक चांदी के उड़ते हुए सिक्के को भेद दिया। तीसरा लड़का सबसे सुंदर था। यह लड़का हार्प बजाता था और गाता था, और ऐसा गाता था कि उसका गाना सुनकर चिड़िया उड़ना भूल जाती थी और जंगली जानवर अपना चिल्लाना बंद करके उसका गाना सुनने लग जाते थे। इस लड़के ने अपना हार्प बजाया और गाया। गांव की सारी लड़कियां आहें भरने लगीं और अपने अपने पर्दों में से बाहर निकलकर आ गईं। यह देखकर गांव के सारे लड़कों को गुस्सा आ गया। तीसरे लड़के के हार्प बजाने के बाद तीनों अक्लमंद लोग तय करने के लिए एक काफी की दुकान पर गए कि उनमें से किसको उस लड़की के लिए चुना जाए। और उनका फैसला क्या था? क्या उनके फैसले ने लड़की के पिता को उसकी समस्या को हल करने में सहायता की? इन तीनों अक्लमंदों ने यह फैसला सुनाया, पहले लड़के ने असाधारण ताकत का प्रदर्शन किया है, दूसरे लड़के ने असाधारण निशानेबाजी दिखाई है, और तीसरा लड़का सबसे अच्छा गवैया है। यद्यपि यह फैसला था तो अक्लमंदी से भरा हुआ, पर इससे लड़की के पिता का तो कोई भला नहीं होता था। दिन और महीने बीतते गए और वे तीनों लड़के अब इतने अधिक चिंतित हो गए कि उन्होंने अपने अपने तंबू उस लड़की के घर के पास बहने वाली नदी के किनारे गाड़ लिए। रोज उन लड़कों के पिता लड़की के पिता पर फैसला करने के लिए दबाव डालते ताकि उनके बच्चे घर लौट सकें, परंतु लड़की का पिता कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा था। एक दिन वह लड़की नदी पर कपड़े धोने गई तो तीनों लड़के उसे देख रहे थे। लड़की अचानक कपड़े धोते समय किनारे से फिसल कर नदी में गिर गई और बहने लगी। उसी समय एक मगर उसकी तरफ बढ़ा तो हार्प बजाने वाले लड़के ने तुरंत अपना हार्प उठाया और उसे बजाना शुरू कर दिया। हार्प के संगीत ने मगर पर जादू डाल दिया। उसने लड़की को छोड़ दिया और वह खुशी से नदी में इधर उधर लौटने लगा। इसी बीच शिकारी ने अपनी राइफल उठा ली और तीसरा बलवान लड़का नदी में कूदकर लड़की को और ज्यादा बहने से पहले ही बचाकर किनारे पर ले आया। तीनों लड़के उस लड़की को लेकर उसके घर गए। लड़की बेहोश थी सो डॉक्टर को बुलाया गया और उसे होश में लाया गया।
अब उन तीनों उम्मीदवारों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। हार्प बजाने वाला लड़का बोला, मेरी शादी उस लड़की के साथ होनी चाहिए क्योंकि पहले मेरे ही गाने से उस जानवर ने उस लड़की को छोड़ा। अगर ऐसा न होता तो तुम दोनों की कोशिशें बेकार जाती। शिकारी लड़का बोला, गलत, तुम्हारे संगीत ने मगर को केवल एक मिनट के लिए ही तो रोक दिया था, उसी समय में मैंने उसको अगर मैं उसी समय मगर को न मारता तो कुछ पल बाद ही वह उसको खा गया होता, इसलिए उसकी शादी मेरे साथ होनी चाहिए। बलवान लड़का बोला, गलत गलत, तुम दोनों ही गलत हो क्योंकि अगर वह मगर से बच भी गई थी तो भी वह नदी के बहाव में बह जाती अगर मैं उसको बाहर निकाल कर न लाता, इसलिए वह मेरी है। जैसा कि हमने कहा था कि अपनी कहानियों में पहेलियां अधिक पसंद करते हैं, तो अब यह बताओ बच्चों कि यह लड़की किसको मिलनी चाहिए। हार्प बजाने वाले लड़के को जिसने लड़की को मगर से छुड़वाया, या शिकारी लड़के को जिसने मगर को मारा, और या फिर उस बलवान लड़के को जो उस लड़की को नदी में से बाहर निकाल कर लाया। अगर तुम सोच सको तो हमको जरूर लिखना।